हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन किया है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है वो माइनस 10 और c की वैल्यू 3। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, माइनस 10 होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3, तो 3 एंड 3। माइनस 10² बराबर है 100 के, 100 फिर माइनस 4 इंटू 3 से 12 इंटू 3 से 3600, तो 100 माइनस 36 से आता है 64। तो 64 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है 8। तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। रियल, अनइक्वल और रेशनल। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, तो 3x² और 3 के प्रोडक्ट से क्या आता है, 9x² और सम से क्या, तो माइनस 10x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आए, 9x² और इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आए, माइनस 10x। तो वो दो नंबर हैं माइनस एक्स और माइनस 9x। तो माइनस 10x की जगह हम माइनस एक्स माइनस 9x लिखेंगे। 3x² माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में 3x कामन है, तो 3x कामन लेंगे, तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे माइनस 1 को कामन लेंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कामन लेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर, 3x माइनस 1 को भी 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर 3 को यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ भी, तो 3 और 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया 3 1/3। तो 3 जो है ये रियल भी है और रेशनल भी, इसी तरह 1/3 रियल भी है और रेशनल भी, और दोनों अनइक्वल है। 3 और 1/3 ये मुख्तलिफ है एक दूसरे से। पार्ट 2 में गिवन है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन गिवन किया है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 4। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू माइनस 6 होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो माइनस 6² बराबर है 36 के, फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4 इंटू 4 से 16। तो 36 माइनस 16 से 20।
तो 20 ग्रेटर देन जीरो है और नॉन परफेक्ट भी है, तो रूट रियल होंगे, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई टू ए। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है तो माइनस इंटू माइनस सिक्स हो, फिर प्लस माइनस बी स्क्वेयर तो बी की जगह माइनस सिक्स और होल स्क्वेयर, फिर माइनस फोर है, ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू फोर, वन इंटू फोर डिवाइड बाई टू ए है तो टू और ए की जगह वन, तो इससे माइनस इंटू माइनस से प्लस सिक्स, फिर प्लस माइनस इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, तो इससे 20 आता है, 20 स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1 से 2। अब प्लस 20 को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, प्लस 20 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई पायो। अब 4 और पायो को अलग अलग स्क्वेयर रूट में, तो 4 स्क्वेयर रूट बराबर है 2 के, तो 2 अंडर रूट पायो, तो 20 स्क्वेयर रूट की जगह हम 2 अंडर रूट पायो लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट पायो डिवाइड बाई 2, इस नोमिनेटर में हम 2 को कामन लेंगे, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट पायो डिवाइड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट पायो। तो ये रियल भी है, अनइक्वल भी है और इरेशनल भी है। पार्ट 3 में गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन गिवन किया है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 3। यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, यानी बी की जो वैल्यू है वो लीनियर टर्म से हम लेते हैं, तो वो हम जीरो लेंगे, तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू जीरो तो जीरो स्क्वेयर, फिर माइनस फोर ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू माइनस 3। जीरो स्क्वेयर तो जीरो के बराबर है, फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस, 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू 3 से 12, तो 0 प्लस 12 से भी 12, तो 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, अब स्क्वेयर रूट लेंगे, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3, यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। तो रूट्स रियल भी है, अनइक्वल भी है और इरेशनल भी है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।